कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रियांश और आप देख रहे हैं पीएस वर्ल्ड ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपका खुद का बिल्ड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, इसी से आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो फर्स्ट आपको किसी ब्राउज़र को खोल लेना होगा और URL में टाइप करना होगा appsgeezer.com। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा या आप गूगल में भी सिंपली सर्च कर सकते हैं appsgeezer। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा appsgeezer। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा इस वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट्स ओपन हो चुकी है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्रिएट एन एंड्रॉयड ऐप फॉर फ्री। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे क्रिएट नाउ फॉर फ्री पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे कि आप कौन सा एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं। एक वेबसाइट, एक मैसेंजर, एक ब्राउजर, एक क्रॉसवर्ड गेम, यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स बनाने के लिए दिए हैं बस। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ब्राउज़र बनाएं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउज़र से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वेबसाइट से भी उतना ही मिलेगा लेकिन मैसेंजर से कम और इससे भी थोड़ा सा कम ही, इन सब से कम, लेकिन ब्राउज़र से आपको ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएट नाउ बटन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा सिंपली। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट की, ऐसा आपका कुछ आपका ऐप का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ पे बस क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। ये वेबसाइट आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपना खुद का ऐप बिल्ड कर सकें, वो भी फ्री में। इसकी कोई चार्जेस नहीं लगते हैं इस ऐप पर। हाँ, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर पर अपनी ऐप को पब्लिश करना चाहते हैं तो आपको कुछ गूगल को चार्जेस देने पड़ते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस होता है, उसे आपको देने के बाद आप गूगल प्ले पे सिंपली पब्लिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐप सेटिंग्स आ गया। तो आपको ब्राउजर में क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट मुझे पॉले में चाहिए गूगल। तो गूगल का लिंक क्या है, http://www.google.com। फिर आपको यहाँ पे नीचे एक और कोई भी साइट दे दीजिए, अमेजोन का हम दे देते हैं http। और फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा कि अगर आप ब्राउज़र बना रहे होंगे तो आप जब कोई भी URL जब आप दे रहे होंगे तो वहाँ पे http://लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर वो आप नहीं लगाएंगे तो वो आपकी जो भी आपने लिंक दी हुई होगी वो खुलेगी नहीं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वैसे तो आप इस पे और बहुत सारे ऐप बना सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि ब्राउज़र पर जो रेट मीन्स प्रॉफिट है वो ज़्यादा मिलेगा। अगर चाहे तो आप तीन फीस एप्लीकेशन इस वेबसाइट से बना सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे सबको फिल कर दे रहा हूँ .com। फिर यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे फेसबुक, बस अपना इतना ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप अपना कलर चूज कर लीजिए, टेम्पलेट कलर जो आप ब्राउजर का कलर होगा। तो मैं यहाँ पे ब्लू चूज करता हूँ, नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे दिखा रहा है कि मिनिमम कम से कम 5 रहने चाहिए। तो ठीक है, हम इनको भी फिल कर देते हैं। यहाँ पे हम ट्विटर डाल देते हैं, आप चाहें तो इमेज भी अटैच कर सकते हैं।
यहाँ पे मैं YouTube डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं Flipkart डाल देता हूँ। हो गया, अब कलर तो मैंने कलर से चूज कर लिया, नेक्स्ट करता हूँ। अब अपना ऐप नेम डाल दीजिए, यहाँ पर टिक दे रहा है इफ़ यू एड वर्ड इंडियन बिफोर योर ऐप नेम इट विल मेक योर ऐप इंडिया। अगर आप ये कह रहा है कि अगर आप अपने ऐप का नाम इंडियन से शुरू करते हैं तो वो आपका ऐप जो पॉपुलर हो सकता है इंडिया में। तो मैं ऐप का नाम डालना चाहूँगा इंडियन ब्राउज़र, नेक्स्ट। फिर आप डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दीजिए डाउनलोड नाउ, मैं भी इतना ही लिखता हूँ, नेक्स्ट। फिर अपना आइकन यहाँ पे चूज कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे इसको चूज करना चाहूँगा। आप चाहें तो अपना खुद का आइकन भी बना के चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे कह रहा है राइट टू रन एट ऑफ, ये रहा जो मैंने आइकन चुना हुआ था, ये आ गया। अब आपको सिंपली इसको कस्टमाइज करना है कि आपको कैसा चाहिए। तो मैं इसका साइज जो है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे बस ऐसे एक्सपोर्ट कर दीजिए। तो ये आइकन आपका आ गया, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, क्रिएट कर दीजिए। और तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा, तो आपको रजिस्टर करने के लिए बस एक ईमेल एड्रेस वो तो आपके पास होगा ही, पासवर्ड बना लीजिएगा और रीटाइप पासवर्ड कर दीजिएगा और आपका अकाउंट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। और फिर आपकी ईमेल पे एक वेरीफिकेशन मैसेज आएगा, वहाँ पर क्लिक करके वेरीफाई कर लीजिएगा अपने अकाउंट को, आपका अकाउंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो मैं फिलहाल तो मैं सिंगिन हो जाता हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से एग्जिस्ट है। फिर आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर दीजिए, सिंगिन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा पॉपअप मैसेज आ गया, इफ़ यू गिव सम थॉट एंड स्पेंड 20-30 मिनट ऑफ इनटू कस्टमाइजेशन इंक्रीज ऑफ योर वीकली इंक्रीज चांसेस ऑफ टेकिंग प्रॉफिटेबल ऐप। तो ये कह रहा है कि अगर आप इसमें 20-30 मिनट स्पेंड करते हैं इस ऐप में और थोड़ा और कस्टमाइजेशन करेंगे तो शायद आप इस ऐप की पॉपुलरिटी बढ़ जाए और ज़्यादा डाउनलोड्स हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप इसे गूगल प्ले पे पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि बताया था आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे गूगल को पब्लिश करने के लिए। तो उसकी ट्यूटोरियल मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाए रखिए, जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड होगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर मैं इसके बारे में अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा तो मैं वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप पब्लिश टू अमेजोन ऐप स्टोर, तो अमेजोन ऐप स्टोर पब्लिश करने के लिए ये फ्री है, अमेजोन ऐप स्टोर पे आप इसे फ्री में पब्लिश कर सकते हैं। आप यहाँ पे मोंटिनाइज योर ऐप, आप इस ऐप को मोंटिनाइज भी कर सकते हैं। तो मोंटिनाइज मतलब ये होता है कि आप इस ऐप को मैं ऐड लगा सकते हैं, गूगल के ऐड लगा सकते हैं। तो गूगल के ऐड लगाने के लिए भी आपको मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, एक वीडियो, वो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे कुछ दिनों में। तो मोंटिनाइज
करके आप इस ऐप से पैसा भी कमा सकते हैं। फिर आपको सिंपली, अगर आपको देखना है कि मेरा ऐप कैसा बना है, तो यहाँ पे सिंपली आप डाउनलोड कर दीजिए, डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। ये बिल्डिंग ऐप हो रहा है। अब यहाँ पे डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर दीजिए। तो ये मेरा ब्राउजर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगा कुछ मिनट में। तो फ्रेंड्स, ये डाउनलोड हो गया। तो मैं अभी आपको कुछ समय में अपने मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ कि ये ब्राउजर कैसा बना है और आप इसे आसानी से कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो ये ऑप्शन को आप यूज़ करके आप ऐप को और कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऐप Keywards, जिससे आप फ्री में एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आप मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे।